चैनल। हाँ दोस्तों, अगर आपका मोबाइल हैक कर रहा है तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। यकीन मानिए, मैं आज आपको एक ऐप ऐसा बताऊंगा दोस्तों जो आपको मोबाइल को बैठे बैठाए स्कैन कर देगा। दोस्तों आपको मोबाइल शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। 99% अगर आपकी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है तो वो ये सॉल्व कर देगा दोस्तों। यकीन मानिए, मैं जो ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों आपको, उस ऐप की यूट्यूब प्ले स्टोर में रेटिंग ही दोस्तों इतनी हाई आएगी। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तों। 100% मैं श्योर के साथ हो सक के बता सकता हूँ दोस्तों कि आपके मोबाइल की प्रॉब्लम आपके घर बैठे ही ठीक हो सकती है दोस्तों। आपको मोबाइल शॉप जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं दोस्तों। मोबाइल शॉप पे भी जाते हैं तो मोबाइल शॉप वाला भी यही काम आपको करता रहेगा, आपका मोबाइल स्कैन करता है अपने लैपटॉप से। वही काम आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ दोस्तों, मैं आखिरी में बताऊँगा वो ऐप कौन सा है दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे, फिर आप कहेंगे कि बेकार का ऐप था, कैसे काम करता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। उससे पहले गुजारिश है आपसे, अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करिएगा जिससे आपके दोस्तों तक भी ये ऐप के बारे में पता लग पाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ऐप खोल लेता हूँ दोस्तों। ऐप खोलने के बाद में देखिए, ये वाला ऐप आएगा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको ऑप्टिमाइज में आ जाना आएगा दोस्तों। तो ये मैं पहले से कर चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही मैं करूँगा, यहाँ पे देखिए लिख के आएगा फ़ोन इज़ ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड। तो दोस्तों मैंने जैसा कि बताया, मेरा फ़ोन हैक कर रहा था तो मैंने खुद ये ट्राई किया है पहले, उसके बाद में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो इस पर बना के डाल रहा हूँ। पहले मैंने खुद अपने पे अप्लाई किया। और दोस्तों इस उसमें वहम में मत रहिएगा कि आपका डाटा उड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बहुत ही सेफली है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आपका फ़ोन एकदम स्मूथली चलने लगेगा दोस्तों, यकीन मानिए। और दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या आएगा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन में आके आप अपने सब कुछ चेक कर सकते हैं, अपना रैम, बैटरी, टेम्परेचर सब कुछ, यहाँ से अपना मोबाइल का सब कुछ पूरा बायोडाटा चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है रिपेयर सिस्टम पर। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आएँगे आप, ये आपका पूरा सिस्टम ये जो है ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगा दोस्तों। एक भी जंक फाइल होगी तो वो तुरंत ही निकाल के बाहर फेंक देगा। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक बटन प्रेस करना है अपने मोबाइल पे। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये जितने मेरे मोबाइल में ऐप हैंगे जो जंक फाइल होगी ये ऑटोमेटिकली निकाल के फेंक देगा। और दोस्तों आगे भी आपको बताऊँगा और भी कैसे कैसे होती है। तो दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा चलेगा ये। तो दोस्तों ये मेरा हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद में मेरे को करना क्या आएगा, जैसा कि देख सकते हैं ये मेरा रिपेयर हो गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते होंगे जंक क्लीनर, दोस्तों यहाँ पे मेरे को क्लिक कर देना है, यहाँ पे स्टार्ट क्लीन कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे मोबाइल में जितने भी ऐप हैंगे, जितने भी फोल्डर हैं, रिकॉर्डिंग फ़ोटो से ले कर कुछ भी मेरे वीडियो वीडियो, उसमें कुछ भी करप्ट फाइल होगी या कुछ भी होगा तो वो उनको निकाल के बाहर फेंक देगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैंगे दोस्तों, इसने 11 वायरस डिटेक्ट किए हैंगे दोस्तों। अब यहाँ से ये दोस्तों वायरस वाला नहीं है, आपका 3 इडियट वाला वायरस नहीं है, रियल का वायरस है जो मेरे मोबाइल में है दोस्तों। इसने देख सकते हैं 3 जो है यहाँ पे, देखिए मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है, इसने ऑटोमेटिकली दोस्तों डिलीट कर दिया है बिना कुछ करे। तो आपके मोबाइल में भी जितनी करप्ट फाइलें होंगी या फ़ोटो होंगी जो खुलती नहीं है, ये मतलब आपकी जो फ़ोटो है वो नहीं डिलीट करेगा, कुछ भी नहीं छुएगा उसमें से। ये जो फालतू की जो जंक पड़ी होंगे या वायरस होगा, ये उनको डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से डिलीट कर देगा। आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ऑटोमेटिक ये रिमूव कर देगा। उसके बाद दोस्तों बैक आ जाना है मेरे को। अब दोस्तों आपका मोबाइल एकदम सेफली है। अब आप बैग जाके एक बार अपने मोबाइल का टच ज़रूर चेक करिए, कैसा पहले कैसा परफॉर्मेंस था मोबाइल का और अब कैसा है। एक बार अपने मोबाइल का ये ऐप यूज़ करने के बाद में एक बार ज़रूर अपने मोबाइल का परफॉर्मेंस चेक करिएगा और मेरे को कमेंट में बताइएगा कि ऐप कैसा हैगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पर कर दिएगा।